हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के टॉपिक में, आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th साइंस। ठीक है, और ये आपका जो क्लास 10th का केमिस्ट्री है उसका लास्ट टॉपिक है, बिकॉज इसके बाद आपकी बायोलॉजी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो केमिस्ट्री आपका 1 to 5th चैप्टर है, जिसमें 5th क्या कि जो 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको थोड़ा सा सॉर्ट कर दिया गया, यानी कि सॉर्ट क्या मैक्सिमम उसमें से सारे टॉपिक रिड्यूस कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आपको जो पढ़ना है मेनली वो है चैप्टर फाइव नेम है इसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका नोट्स बनवाने से पहले मैं आपसे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अबाउट द राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या देखना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, तो सबसे पहले अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स ऐसा तो है नहीं कि अभी नेचुरल कितने एलिमेंट्स हैं 118 है, बट ऐसा तो है नहीं कि 118 एक साथ ही आ गए। ठीक है, इनको पहले कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए, उसके बाद कुछ और डिस्कवर किए गए, तो इस तरीके से कुछ साइंटिस्ट रहे हैं जिनके टाइम पीरियड तक 30 एटम्स, ठीक है, फिर 56 एटम्स, फिर 63, फिर 118 ऐसे एलिमेंट्स का डिस्कवर हुआ है। ठीक है, तो जो सबसे पहला एलिमेंट रहा है वो है फास्फोरस। सबसे पहला एलिमेंट रहा है जिसका डिस्कवर किया गया है, किसने किया? हैनिंग प्रांड। ठीक है, हैनिंग प्रांड एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फास्फोरस की डिस्कवरी की किस ईयर में की थी इन्होंने? 1669 में। क्लियर, 1669 में इन्होंने फास्फोरस की डिस्कवरी कर दी। आफ्टर दैट 1689 में रॉबर्ट बॉयल, ठीक है, रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने कोशिश की फास्फोरस को डिस्कवर करने की, तो उन्हें पता चला कि फास्फोरस तो पहले से ही डिस्कवर हो चुका है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसे यहीं पर लीव कर दिया, छोड़ दिया। तो इसका मतलब फास्फोरस सबसे पहला एलिमेंट है जिसकी डिस्कवरी की गई, और इसकी डिस्कवरी किसने की? हैनिंग प्रांड ने की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है, अभी तक कुल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, देर आर ओनली 118 एलिमेंट्स इन आवर नेचर। तो ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं कि किस सेंचुरी से लेकर, किस ईयर से लेकर किस ईयर तक कितने एटम्स की डिस्कवरी, एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो सबसे पहले याद रखना है 1789 टू 1800। ठीक है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे लेवासियर, लेवासियर, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे, और इनके टाइम पीरियड तक 33 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, लेवासियर साइंटिस्ट हैं, 1789 में 1800 तक, टिल 1800 33 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। आफ्टर दैट टिल 1866 न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे, न्यूलैंड्स, इनके टाइम पीरियड तक कुल 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। देन टिल 1869 मेंडलीफ साइंटिस्ट थे, और इनके टाइम पीरियड तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। एंड टिल नाउ अब तक कुल 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है आपको 1789 से 1800 तक लेवासियर ने 33 एलिमेंट्स तक की डिस्कवरी हो चुकी थी, टिल 1866 न्यूलैंड्स के टाइम पीरियड तक 56 एलिमेंट, एंड 1869 से मेंडलीफ, एंड टिल नाउ 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं। क्लियर, ये तो हो गए कि कितने एलिमेंट्स हैं, कब कब तक, कितने टाइम पीरियड तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, जो भी पढ़ना है वो एक सीक्वेंस से पढ़ना है। सबसे पहला है डॉबेराइनर ट्रायड। ठीक है, डॉबेराइनर ट्रायड क्या है, इसमें 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया गया, जिनको उनके मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर रखा गया। ठीक है, दे विल बी पुटेड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। उसके बाद
जो डोवेनियल ट्रायड था उसमें ये कहा गया जो मिडिल एलिमेंट्स होते हैं ठीक है उनका एटॉमिक मास अदर टू एलिमेंट्स के एवरेज होते हैं, एटॉमिक मास के एवरेज होते हैं ठीक है। तो इसे भी हम डिटेल में देखेंगे। फिर जो डोवेनियल ट्रायड में कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी ठीक है, उसके कुछ डिसएडवांटेज रह गए थे, उसको सॉल्व किया किसने, न्यूलैंड ने ठीक है। न्यूलैंड ने क्या किया, इन्होंने अपने ऑक्टेट थ्योरी दी ठीक है, न्यूलैंड्स ऑक्टेट थ्योरी। तो इसमें इन्होंने क्या किया, बताया कि जो एवरी एर्थ एलिमेंट होते हैं वो सेम प्रॉपर्टी बियर करते हैं ठीक है। न्यूलैंड ऑक्टेट थ्योरी के बाद फिर मेंडलीफ जी आए, जब मेंडलीफ जी आए तो इन्होंने भी अपनी कुछ थ्योरी दी ठीक है। आफ्टर दैट इसको भी मॉडिफाई करने कौन आए, सर मोजले आए। तो इस तरीके से इनका एक सीक्वेंस चलता जाएगा जिसको हम डिटेल में यहाँ पर वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमको कुछ इसमें पॉइंट नोट कर लेना है, एक पॉइंट तो आपने ये नोट किया ठीक है, तो नोट कर लेते हैं पहले कुछ पॉइंट। मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सर्स। क्लियर, जो हमारे सराउंडिंग मैटर्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आइदर इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट और इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड और इन द फॉर्म ऑफ मिक्सर्स ठीक है। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट आर कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स, same type of atoms in it, that is sodium Na, Au gold, ferrous etc ठीक है। एलिमेंट्स क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। एग्जांपल आप लिख सकते हैं सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, फेरस हो गया, गोल्ड हो गया एक्सेट्रा ठीक है। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, देयर आर 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स विद अस व्हिच ऑल हैव विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्लियर, देर आर 118 एलिमेंट्स बट ईच एलिमेंट्स हैव सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये आपको थ्री पॉइंट्स नोट करने हैं, बिफोर मेकिंग अ नोट्स यू मेक दिस थ्री नोट्स ठीक है। मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सर्स, एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट आर कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स इन इट, दैट इज सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम फेरस गोल्ड एक्सेट्रा। देर आर 118 एलिमेंट्स विच ऑल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ठीक है। तो ये इतना आप नोट कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं अब यहाँ पर डोवेनियल ट्रायड। क्लियर, ये इतना हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि नीड क्यों पड़ी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। तो हेडिंग करेंगे नीड ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, व्हाई वी नीड ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ठीक है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। टू मेक द स्टडी ऑफ दीज एलिमेंट इजी, दीज एलिमेंट हैव बीन डिवाइडेड इंटू फ्यू ग्रुप्स in such a way that
एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. नाउ स्टडी अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट इज रिड्यूस्ड टू अ फ्यू ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, नीड ऑफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन क्यों पड़ी, बिकॉज इतने सारे एलिमेंट्स हैं कि इनको वन बाय वन स्टडी करना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा था, तो इसको इजी बनाने के लिए, ठीक है, टू मेक द स्टडी ऑफ दीज एलिमेंट्स इजी, दीज एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इंटू फ्यू ग्रुप्स. इन एलिमेंट्स को क्या किया गया, कुछ ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, लाइक डोबिनायर ट्रैड, ठीक है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, तो इस तरीके से इनको डिवाइड कर दिया गया इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. तो जैसे आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उनमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनको एक ग्रुप में कर दिया गया. कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो गए जिनके अदर सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनको अदर ग्रुप में रख दिया गया. इस तरीके से एक सिंगल ग्रुप को, इतने सारे एलिमेंट्स को पढ़ने की जगह अब हमें क्या पढ़ना है, ग्रुप्स पढ़ने हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट पढ़ना है, वो आपके लिए क्या हो जाता है, फिर इजी हो जाता है. ठीक है, तो इसी स्टडी को इजी बनाने के लिए ही हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की नीड हुई. ठीक है, तो ये आप नोट कर लें. फिर हम देखते हैं डोबिनायर ट्रायड. ठीक है, तो ये नोट कर लें आप, फिर हम हेडिंग करते हैं नेक्स्ट. डोवे राइनर्स ट्रायड्स. ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया. टू मेक द स्टडी ऑफ दीज एलिमेंट्स इजी, दीज एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इंटू फ्यू ग्रुप्स इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. नाउ स्टडी अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज रिड्यूस्ड टू अ फ्यू ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, आप इसे चाहें तो स्क्रीन शॉट ले लें. नेक्स्ट देख लेते हैं डोबिनायर ट्रायड्स. ठीक है, इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को थ्री थ्री ग्रुप में डिवाइड किया. ठीक है, थ्री थ्री ग्रुप्स का इन्होंने एलिमेंट बना दिया. इन एलिमेंट्स को थ्री थ्री एलिमेंट्स एक ग्रुप में रखा. इन एलिमेंट को किस सीक्वेंस पर रखा गया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर इनको रखा गया. ठीक है, इंक्रीजिंग मास, एटॉमिक मास के बेस पर इन्हें रखा गया. इसके बाद इन्होंने अपने ट्रायड्स में ये थ्योरी दी, इन्होंने बोला जो मिडिल एलिमेंट्स होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर थ्री एलिमेंट्स हो गए एक ग्रुप में, ए बी सी, ये थ्री एलिमेंट्स हैं और इनका एक ग्रुप है, इसे ही क्या बोला गया, ट्रायड बोला गया. ठीक है, तो इन्होंने बोला जो मिडिल एलिमेंट है बी, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा एवरेज मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स. ठीक है, मीन्स जो मास ऑफ एलिमेंट, जो मास ऑफ मिडिल एलिमेंट होगा वो एवरेज होगा मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स के. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डोबिनायर ट्रायड. ठीक है, ओके, तो इन्होंने जो ये थ्योरी दी इसके अकॉर्डिंग इनके पास कुल थ्री ट्रायड्स बने थे. ठीक है, तीन ट्रायड्स बन पाए थे, तो डिस्कस कर लेते हैं. पहले आप सिंगल से इसको नोट करते चले, ये समझाने के लिए था आपका, इनकी थ्योरी में बस इतना ही है. ठीक है, इन्होंने थ्री थ्री का ग्रुप बनाया, उसके बाद इन ग्रुप्स को, इन एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा. उसके बाद इन्होंने बोला जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका मास अदर टू एलिमेंट्स के मास के एवरेज होगा. ठीक है, अगर समरी देखी जाए तो सिर्फ यही इतना है डोबिनायर्स ट्रायड के. ठीक है, तो नोट कर लेते हैं हम. व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड
इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स नोन एज ट्रायड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेंड. सेकेंड पॉइंट, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्रायड वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस of other two element. क्लियर? तो ये आपको समझना है, नोट करना है, ठीक है. डॉबिन रायनर ट्रायड्स में जो मैंने आपको समझाया है वही आपको एक थ्योरी के फॉर्म में मैंने लिख दिया है, इसको आपको नोट करना है, ठीक है. When elements were arranged in the order of increasing atomic masses, जब elements को उनके atomic mass के increasing order में set किया जाता है, then group of three elements known as triad having similar chemical properties are obtained. Clear? Second point, the atomic mass of middle elements of the triad was roughly the average of the atomic mass of other two elements. For example, ऐसे आपको बना लेना है A, B, C. ये triad में है, then mass of B is equal to mass of average. Mass of B and C. Sorry, B mass of A and C divided by 2. ठीक है, ये नोट कर लिया आपने. अब हमने क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स आपको करके दिखाने हैं, ठीक है. तो आप इन्हें नोट कर लें पहले. क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको करके दिखाते हैं. जो पहला इन्होंने लिया था वो था फर्स्ट लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 होता है, सोडियम का 23 एंड पोटेशियम का 39, ठीक है. तो अब हम इनको अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल हम करके देख लेते हैं, ठीक है. इसमें क्या बोला गया था, मिडिल मास ऑफ मिडिल एलिमेंट्स इज इक्वल टू एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स. तो हम एवरेज निकाल लेते हैं, 6.9 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2. 39 में आप 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45.9 डिवाइडेड बाई 2. 45.9 अप्रॉक्सीमेटली 46 डिवाइडेड बाई 2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 23, ठीक है. तो इस तरीके से सोडियम को आपका कितना मिल गया, 23 एटॉमिक मास मिल गया. इसका मतलब ये डॉबी राइनर ट्रायड को फॉलो कर रहा है, ठीक है. ये फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड देखते हैं, सेकंड इन्होंने लिया क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है. इसका होता है क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, ब्रोमीन का होता है 79.9 एंड आयोडीन का होता है 126.9, ठीक है. तो निकाल लेते हैं, 35.5 प्लस 126.9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 5 14, 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 वन डिवाइडेड. इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4 अप्रॉक्सीमेटली 81.2, ठीक है. और यहाँ पर क्या है, 79.9. तो एटॉमिक मास में इतना अप्रॉक्सीमेशन चल जाता है, ठीक है. ये हो गया. थर्ड देख लेते हैं, कैल्शियम
स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम। कैल्शियम का होता है 40.1, स्ट्रॉन्टियम का होता है 87.6 एंड बेरियम का होता है 137.3। ठीक है, तो इनका प्लस निकालें आप, 40.1 प्लस 137.3 यही कर देते हैं, 40.1 प्लस 137.3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 7, 3 प्लस 4 7 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, तो अप्रॉक्सीमेटली ये भी आपको इक्वल दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्टियम के ये तीन हो गए। चौथा इन्होंने लिया नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक का। ठीक है, तो फोर्थ हम यहाँ कर लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक। इसका होता है 14, इसका होता है 31, इसका होता है 74.9। प्लस करें इसमें तो ये हो जाएगा 448.9 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है नंबर 31 और ये 44 पॉइंट। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये ट्रायड लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो डोबेराइनर ट्रायड्स में जिनको दिया गया प्लेस, ठीक है, वो कौन कौन से थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये थे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम पहला ग्रुप ये था, पहला ट्रायड ये था, दूसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ट्रायड था, तीसरा कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम और बेरियम का ट्रायड था। ठीक है, सो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक को हटा दिया गया बिकॉज वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, उसमें एवरेज जो आ रहा था मास का वो इक्विवेलेंट नहीं था मिडिल एलिमेंट्स के। ठीक है, इसलिए उसको क्या किया गया, हटा दिया गया। तो आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया है। अब हमको क्या करना है, कुछ इनके बारे में देख लेना है कि जो ये डोबेराइनर ट्रायड्स थे ये कहाँ के थे, इन्होंने क्या शब्द दिया। ठीक है, इन्होंने एक वर्ड दिया पीरियोडिक, पीरियोडिक वर्ड इज गिवन बाय डोबेराइनर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ के थे, तो याद रखना है ये जर्मनी के थे। ठीक है, ही वॉज फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, तो याद रखना आपको दो पॉइंट इनके बारे में, पीरियोडिक वर्ड इन्होंने दिया, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। क्लियर, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको और याद रखना है, इन्होंने ही आइडेंटिफाइड प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, इन्होंने प्लैटिनम को एक कैटलिस्ट के रूप में आइडेंटिफाई किया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डोबेराइनर के बारे में याद रखना है आपको। लिमिटेशन क्या है इनकी, ओनली 3 ट्रायड्स वर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स known at that time, means उस समय पर जितने भी atoms जितने भी elements known थे उनमें केवल और केवल 3 triad ही valid हो पाया और सारे valid नहीं हुए। ठीक है, तो 3 triads कौन कौन से थे, उनके नाम आपको लिख लेना है, first, second and third। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो ये 3 हैं जो वैलिड हो पाए थे। तो आप इन्हें नोट कर लें, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम,
कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन थ्री ट्रायड्स मिल पाए थे डॉबी राइनर के, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स ऑक्टेव थ्योरी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। आफ्टर दैट मेंडलीफ का पढ़ेंगे, देन मोजले का पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चैप्टर फॉर हायर एजुकेशन आल्सो, ठीक है, तो बहुत ही आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। वीडियोज़ को आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।